नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आज हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए हम कल की हमने एक क्लास ली थी, जिसमें हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी जो अंग्रेजों को अपने पैर भारत में पसारने के लिए जो वातावरण उपलब्ध करवाया, और किन परिस्थितियों में बंगाल में किन किन शासकों को किन नवाबों का शासन था, और उस समय कौन जो शीर्ष नेतृत्व सत्ता भारत में कौन थी, शीर्ष नेतृत्व जो पैरामाउंटेसी का विकास यानी पैरामाउंटेसी यानी परम सत्ता का विकास, ब्रिटिश परम सत्ता का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ये हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा मिलकर एक जो पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, और उसमें पढ़ रहे हैं बंगाल में किन किन सूबेदारों ने शासन किया और जिनके दौरान अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी कोठियां स्थापित की गई और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तो कल हमने पढ़ा और उसमें हमने मुर्शिद कुली खां को पढ़ लिया था, जिसमें औरंगजेब द्वारा 1705 ईस्वी में यहाँ उसे बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है और उड़ीसा की भी सूबेदारी दी जाती है, और उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खां वहाँ का नवाब बनता है, और सरफराज खां के वक्त जो अलीवर्दी खां है जो ये बिहार का नायब सूबेदार था, ये आपको याद होगा, बिहार का नायब सूबेदार था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और उसने बंगाल पर अपना अधिकार कर दिया, सरफराज खां पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तो हम अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ेंगे। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना। इस दौरान बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां की और व्यापारिक गतियों में काम नवाब और अंग्रेजों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अलीवर्दी खां एक बहुत ही चतुर नवाब था, उसने संतुलन बनाए रखा और अंग्रेजों पर अपनी कड़ी से कड़ी नज़र रखी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में नवाब के पद को लेकर उत्तराधिकार को संघर्ष होते हैं, उसी का फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाया जाता है और बंगाल में अपना जो स्थायित्व जमाया जाता है। अब बात करते हैं हम अलीवर्दी खां की। तो अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी पहले बिहार का नायब सूबेदार था और इसने अपनी योग्यता के आधार पर पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। अलीवर्दी खां की बात करते हैं। अलीवर्दी खां के समय मराठाओं के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। मराठा जाति आपने सुना ही है, शिवाजी जो मराठा नेता, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, मराठा संघर्ष आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो मराठा जो शासक थे उनका आक्रमण होने लग जाता है, तो अलीवर्दी खां इसे आक्रमणों से परेशान होते, मराठा एक लूटपाट करते हैं और उनके राज्य में बहुत ही जो राज्य के अंतर्गत है जो अराजकता का माहौल बना देते हैं। तो उसी दौरान अलीवर्दी खां 1751 ईस्वी में मराठाओं से एक समझौता कर लेता है। मराठाओं से समझौता करने के बाद अलीवर्दी खां क्या समझौता करता है, मराठाओं को 12 लाख रुपए चौथ देने की बात मंजूर कर ली जाती है अलीवर्दी खां से। 12 लाख रुपए चौथ का मतलब हो गया, चौथ जो कुल राज्य की आय होती है उसका 25% होता है। अगर चौथ का मतलब 1/4 हो गया ना, 25% चौथ, और सरदेश में की अगर मराठाएँ अपने जो आधुनिक भारत में आएंगे उसके दौरान हम पढ़ेंगे, उसमें मराठाओं को 25% चौथ देने का जो समझौता अलीवर्दी खां के द्वारा कर लिया जाता है, और उड़ीसा का भी कुछ भाग दे दिया जाता है ताकि उसके राज्य में आतंक ना फैलाए मराठा जाति और उसके राज्य पर आक्रमण नहीं करे। और इसी के दौरान मराठाओं के द्वारा अलीवर्दी खां निजात पा लेता है और अलीवर्दी खां फिर शासन पे और राजस्व नियंत्रण पर अपना ध्यान देता है और बंगाल की शासन व्यवस्था में सुधार करता है। अब हम आगे चलते हैं, बात अंग्रेजों के साथ अलीवर्दी खां का संघर्ष कब प्रारंभ होता है, किन परिस्थितियों में प्रारंभ होता है। अलीवर्दी खां के
दरबार की बात करें तो अलीवर्दी खां के दरबार में हिंदू व्यक्तियों को बराबर की तहजीब मिलती थी, हिंदू व्यापारियों की बराबर की तहजीब और उनको उच्च सम्मान दरबार में मिला हुआ था, क्योंकि बंगाल में नवाब जो अलीवर्दी खां को नवाब बनाने में हिंदू व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान था, हिंदू व्यक्तियों का योगदान था, तो अलीवर्दी खां द्वारा उनको उचित सम्मान दिया जाता है। उनमें मुख्य नाम राय दुर्लभ, जगत सेठ, राम नारायण, माणिक चंद्र, ये हिंदू व्यापारी थे इसके दरबार में, और मेहताब राय स्वरूप चंद्र भी था, एक मेहताब राय और स्वरूप चंद्र भी थे, मेहताब राय व स्वरूप चंद्र ये भी इसके दरबार में हिंदू व्यापारी थे। तो इस तरह अंग्रेज़ों पर अलीवर्दी खां द्वारा कड़ी नज़र रखी जाती है और अंग्रेज़ों को अलीवर्दी खां के द्वारा मधुमक्खी की संज्ञा दी जाती है। अलीवर्दी खां का कहना होता है कि अंग्रेज़ ये मधुमक्खी है, अगर इनको छेड़ा जाएगा तो ये डंक मारेंगे और नहीं अगर इनको पाला जाएगा तो ये शहद देंगे, इसलिए इन्हें मधुमक्खी की संज्ञा अलीवर्दी खां के द्वारा दी जाती है। और इस तरह बूढ़े नवाब की 82 वर्ष की उम्र में आयु में 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के पश्चात हम बात करते हैं, अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके कोई पुत्र नहीं होता है, उसके 3 पुत्रियां होती है, अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां, और तीनों पुत्रियों का विवाह अपने जो भतीजे हैं वो तीनों भतीजों के साथ कर दिया जाता है। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि अलीवर्दी खां ने सबसे अपनी छोटी पुत्री थी उसके पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये सिराजुद्दौला था, ये बंगाल का नवाब बनता है और इसको अपना उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां के अपनी मृत्यु से पहले घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बाकी जो अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्रियां हैं और जो उन पुत्रियों के पुत्र उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ये अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां। ये पुत्रियां उसके 3 भतीजों को ही, 3 भतीजों के साथ ही उसने शादी की थी, अपने ही 3 भतीजे थे उनके साथ शादी कर दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले अलीवर्दी खां की मृत्यु से पहले ही उसके 3 भतीजों का भी देहांत हो गया, तो उसने अपने नाती जो सिराजुद्दौला सबसे छोटी लड़की का पुत्र था उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक होता है तो इनमें उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि उसके राज्याभिषेक में किसी तरह की समस्या नहीं आती, लेकिन ये जो उसकी मौसी रहती है घसीटी बेगम जिसका नाम है, और शौकत जंग जो उसका वैसे चचेरा भाई भी लगता है और मौसी का लड़का भी लगता है, ये आपस में षड्यंत्र करने लगते हैं सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए और सत्ता प्राप्त करने का। तो उस दौरान संघर्ष में क्या होता है, जो सिराजुद्दौला जो ही गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष कई शत्रु खड़े हो जाते हैं, जिनमें से एक घसीटी बेगम है जो उसकी मौसी लगती है। ये घसीटी बेगम इसकी मौसी है और ये शौकत जंग इसका चचेरा भाई भी है और ये मौसी का लड़का भी है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया है जो ये 3 पुत्रियां अलीवर्दी खां की जो अपने भाई के लड़के जो भतीजे थे उनके साथ ही शादी की हुई थी। मुस्लिम धर्म में जो ये प्रथा है आपको भी पता है कि जो भाई बहन है उनकी आपस में शादियां होती है चाचा और ताऊ के, तो उसी दौरान ये शादी कर दी गई अलीवर्दी खां के द्वार और इनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इस संघर्ष से निजात पाई जाती है सिराजुद्दौला द्वारा कैसे, तो सिराजुद्दौला द्वारा छल कपट के द्वारा और कूटनीति के द्वारा घसीटी बेगम को बंदी बना लिया जाता है, और शौकत जंग पे वह आक्रमण करता है, शौकत जंग पे आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी। और एक दूसरा नाम मीर जाफर,
ये भी षड्यंत्र में शामिल था और ये भी सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारना चाहता था। और मीर जाफर कौन था? मीर जाफर था अलीवर्दी खां का बहन हुई। अलीवर्दी खां की जो बहन थी उसकी शादी मीर जाफर से की गई थी, तो ये कौन था? उसका बहनोई जीजा था। अब मीर जाफर को भी सिराजुद्दौला द्वारा अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा मीर जाफर और षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का प्रयास किया जाता है। अब अंग्रेजों के साथ टकराव होता है सिराजुद्दौला का। अंग्रेजों के साथ कैसे टकराव होता है, कोई उसके लिए कौन सी परिस्थितियां और कारण जिम्मेदार होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अस्पृश्यता की बात आती है। जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक होता है तो हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है, किसी राजा का जो राज्याभिषेक होता है तो उसको सभी लोग जो सामंत और अधीन उसके शासक है, जो भी भेंट दिए जाते हैं शिष्टाचार भेंट उसके सामने पेश की जाती है, मूल्यवान कीमती भेंटे। लेकिन अंग्रेज इसके राज्यारोहण का जो समारोह था उसमें अंग्रेज आए नहीं, कोई अधिकारी नहीं आए और किसी तरह की भेंट नहीं थी। तो सिराजुद्दौला के मन में वैसे अंग्रेज खटक रहे थे और उनके साथ ये एक संघर्ष का भी कारण था। अब बात करते हैं किलेबंदी। जब हमने आपको कल बताया कि सुतानाती, कालीघाट, कालिकाता, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर तीन गांवों की जमींदारी है इनको अंग्रेजों को मिल गई थी, तीन गांवों की जो जमींदारी है अंग्रेजों को मिल गई थी, तो उसी के दौरान उस गांव में उन्होंने जो अपना फोर्ट विलियम किला बनाया, कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम किला बनाया। तो उस किले की वह किलेबंदी करने लगे चारों तरफ, जो कि एक स्वतंत्र राज्य में सही नहीं था। तो सिराजुद्दौला ने इस बात का विरोध किया और अपने अधिकारियों को भेजा कि आप किले की किलेबंदी क्यों कर रहे हैं और इस किलेबंदी को रोक दिया जाए। तो एक मदी और घमंडी अंग्रेज ने कहा कि इस किलेबंदी की जो खाई है चारों तरफ हम बूर देंगे, लेकिन उसमें हम मुसलमानों के सिरों को काट के इस खाई को बूरेंगे। तो इस बात का उसको पता चलता है सिराजुद्दौला को, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और ये संघर्ष की परिस्थितियां बनती है। अब दस्तक की बात करते हैं, तो दस्तक आपको मैंने बताया तो 1717 ईस्वी में जो मुगल तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा जो इनको फ्री पास की व्यवस्था दी जाती है, फ्री पास जो निःशुल्क व्यापार का जो आज्ञा पत्र इनको दे दिया जाता है, अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। हिंदू व्यापारियों के माल को भी चुंगी से बचाने के लिए वे इस दस्तक का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिससे बंगाल के राजस्व को बहुत भारी नुकसान होता है और नवाब इसका विरोध करता है। अब शत्रुओं को संरक्षण दिया जाता है, जो घसीटी बेगम और शौकत जंग और मीर जाफर और जो हिंदू कई विद्रोही थे, हिंदू जो व्यापारी थे उनके द्वारा उनको, जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारना चाहते थे, उन लोगों का साथ है जो अंग्रेजों द्वारा दिया जाता है। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं हम आगे अंग्रेजों के साथ जो युद्ध की परिस्थितियां हो गई, तो युद्ध की परिस्थितियां होने के बाद अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो टकराव की स्थिति आती है, संघर्ष शुरू होता है, उस संघर्ष की शुरुआत होती है, तो मजबूरन सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस सैनिक कार्रवाई में 4 जून की बात है, 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला द्वारा जो कासिम बाजार की फैक्ट्री है कलकत्ता में, उस पर अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया जाता है। एक बार इस कासिम बाजार की फैक्ट्री को देखने के लिए सिराजुद्दौला ने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को दिखाने से मना कर दिया था और 4 जून को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया जाता है। 5 जून को कलकत्ता पर आक्रमण किया जाता है। कलकत्ता आपको पता होगा गोविंदपुरा, सूतनाती और जो कालीघाट है
उन तीन गांवों को मिलाकर जो कलकत्ता आधुनिक कलकत्ता का निर्माण होता है, और इनको 1200 रुपये वार्षिक चुंगी के बदले में ये तीनों गांवों की जमींदारी मिली हुई थी मुगल बादशाह की तरफ से। तो कलकत्ता पर आक्रमण करता और कलकत्ता में जो उन्होंने फोर्ट विलियम किला बनाया था, फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ था, उस पर 15 जून को सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कर लिया जाता तो वहाँ पर उपस्थित जो अंग्रेज अधिकारी था होलवेल, उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और कई अंग्रेज है जो अंग्रेज वहाँ से भाग जाते हैं, और 15 जून को किले पे उसने अधिकार कर लिया है अपने सिराजुद्दौला ने, और उसके पश्चात कई अंग्रेज अधिकारी भाग जाते हैं। एक इतिहास के अंदर बहुत ही चर्चित घटना घटित होती है 20 जून को ब्लैक होल की घटना घटित होती है, जिसे हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। काल कोठरी की घटना कहती है। इस समय अगर 15 जून को फोर्ट विलियम किले पर जब सिराजुद्दौला का अधिकार होता है तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया जाता है। उसके दौरान एक उसका विवरण किया जा हालवेल उसका प्रत्यक्ष दृष्टि था, उसे भी उस काल कोठरी में बंदी डाल दिया गया था। 100 हालवेल के अनुसार 146 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया, 146 व्यक्तियों को अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। और एक जो कोठरी थी उसके अंदर 20 जून की रात्रि को इन्हें बंद किया गया, जो 18 फीट तो लंबी थी, 18 फीट जिसकी लंबाई थी और 15 फीट चौड़ाई थी। इसमें 146 अंग्रेजों को घुस कर दबा दबा कर भर दिया गया, और 20 जून की रात्रि को इन्हें इसमें बंद किया, और 21 जून की जब सुबह इनको खोला गया तो इसमें से 21 जून को इसमें से 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने से, और मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित रहे थे। इसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। ये सिराजुद्दौला के कुछ सैनिक कोई सैन्य अधिकारी ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें समकालीन इतिहासकारों ने इसका उल्लेख नहीं किया, कई जगह इसका उल्लेख नहीं होता, लेकिन तत्कालीन अंग्रेजी पत्रों में भी इसका उल्लेख नहीं होता। इस घटना की सत्यता को अभी प्रमाणित नहीं माना जाता है, लेकिन इतिहास में इसका कई बार जिक्र किया जाता है। अब अंग्रेज हुगली नदी में अपनी नाव के द्वारा भाग जाते चिल्का टापू पे, और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता को छोड़ दिया जाता है, और इस पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। अब अंग्रेजों द्वारा पुनः वापस क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह पुनः कलकत्ता पे अधिकार किया जाता है, और इस सिराजुद्दौला के साथ क्या क्या संधियाँ की जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, और उसके दौरान हमने अलीवर्दी खां को कल पढ़ लिया था, और सिराजुद्दौला के बारे में आज हमने चर्चा की है, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य किस तरह से संघर्ष होता है उसके बारे में पढ़ा है, और इस संघर्ष के पश्चात क्या परिणाम निकलते हैं, और कलकत्ता पर कितने समय तक सिराजुद्दौला का अधिकार रहता है, उसके पश्चात अंग्रेजों के द्वारा पुनः वापस क्या कार्रवाई की जाती है सिराजुद्दौला के खिलाफ, और उसमें किस तरह इनके साथ संघर्ष होता है, और उसके बाद कौन सी संधि इनमें की जाती है, ये आने वाली आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप किसी तरह की आपके मन में शंका हो, किसी तरह का प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिए, और कोई बात नहीं समझ में आई विस्तार से आप और समझना चाहते हो इसके बारे में आप मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।